अच्छा, तो आज हमारा रात का पानी भी नहीं दोगी हमें? ललिता, अब इसमें मुंह फुलाने वाली कौन सी बात है? अरे बताया तो, रघु भाई को मना नहीं कर सकता था मैं। बहुत पुराना रिश्ता है उनके साथ मेरा, एक बार उनके लिए कुछ करने का मौका मिला है। अब जहां 12 साल इंतजार किया है, वहां थोड़ा वक्त और रुक जाओ। इस साल नहीं तो अगले साल चले जाएंगे छुट्टी पर। अब कल सवेरे पहुंच रहा है वो, बात खत्म। सब तैयारी कर चुकी थी, सूटकेस भी तैयार था, और अब आखिरी वक्त पे। अब तुम्हारी रेल पटरी से उतर चुकी है। खैर जाने दो, तुम ऐसा करो, तुम बत्ती बुझा दो, हमें सोना है, कल सुबह जल्दी निकलेंगे काम पर। चलो छोड़ो पानी। हाय। हाँ कहो। अंकल से बात की थी ना डैडी ने? अंकल से? हाँ, कि मैं आज आने वाला हूँ। आज? पता नहीं बेटा, कुछ बताया नहीं सत्यनारायण जी ने। बताए? डैडी भी ना कोई काम ठीक से कर ही नहीं सकते। मैं पापा को कॉल करता हूँ। मजाक कर रही थी, तुम्हारा ही तो इंतजार हो रहा है चिराग चौधरी। 92% 92.5। हाँ, आओ आओ, अंदर आओ। मैं ले लेती हूँ। आ जाओ बेटा। बुझ गया ना चूल्हा। रोज सवेरे 6 बजे बेलना शुरू कर देती हूँ। 3 बजे प्रकाश का टेम्पो आता है पैकेट उठाने, शहर में दुकानदारों को देने। इससे सत्यनारायण जी की भी थोड़ी बहुत पैसों में मदद हो जाती है और मेरा भी अच्छा वक्त गुजर जाता है यहाँ अकेले। बच्चों की पढ़ाई लिखाई फीस खर्चे काफी ज्यादा है ना आजकल। कल रात ही उन्होंने बताया कि तुम आने वाले हो, वरना हम तो निकल गए होते छुट्टी पे। कहाँ जा रहे थे आप दोनों? दोनों नहीं, चारों। डलहौजी। अच्छा हुआ नहीं गए, कभी जाना ही मत। मैं गया था अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर मनाने, एकदम बेकार जगह है। मैंने तो नाम भी रखा डलहौजी का। क्या? डल एंड लाउजी। लौजी? लाउजी, लाउजी, डल एंड लाउजी। लेकिन मुझे एक बार तो कम से कम खजियार देखना है। डलहौजी के पास है, उसका भी नाम है। क्या? इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं उसे। अब जो मैं यहाँ 3 महीने के लिए रहने आ गया हूँ, तो आपकी छुट्टी की तो हो गई छुट्टी। एक्टिंग बढ़िया करती आप ललिता आंटी। है ना, बताना सत्यनारायण जी को, मानते ही नहीं। वैसे आंटी कुछ खिलाओगी भी या सिर्फ पापड़ से पेट भरना पड़ेगा? हाँ फिलहाल तो ये पानी लो, मिर्ची लगी होगी ना, तीखी जुबान है तुम्हारी। थक गए होगे, फरीदाबाद से बस में आते आते 7-8 घंटे तो लग गए होंगे ना। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ, तुम मुँह हाथ धो लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए गरम गरम प्याज के पकौड़े बनाती हूँ। आंटी अगर आलू के हो तो बेटर है। बिल्कुल बेटा। Thank you.
मैं यहाँ रहूंगा। ये माँ जी का कमरा है, सत्यनारायण जी की माँ और मेरी सासू माँ। सात साल पहले माँ जी मंदिर गई थी अपने जन्मदिन पर पूजा करने, और वापस कभी नहीं आई। आपकी एक और एक्टिंग है ना आंटी, अब ज्यादा नहीं हो रहा है, वापस नहीं आई। ये कोई मजाक की बात है? एक बार मजाक कर लिया तो ठीक है, तुम्हारी उम्र की थोड़ी ना कि बार बार मजाक करूंगी, वो भी ऐसी बात पर। नहीं, वो मुझे लगा, सॉरी। आओ यहाँ बैठो। मेरी माँ से ज्यादा प्यार था माँ जी और मेरा। 20 साल बहुत प्यार दिया उन्होंने, बहुत याद आती है उनकी। पिछले साल मेरी भी दादी गुजर गई थी, सबसे फेवरेट पोता था मैं उनका, लेकिन मुझे उनकी इतनी याद नहीं आती। मैंने ये कमरा खास तुम्हारे लिए तैयार किया है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जो तुम यहाँ रहो। फिर मैं मना कैसे कर सकता हूँ? माय प्लेजर। अब टेम्पो आने वाला है, मैं पैकेट तैयार करती हूँ। सॉरी, आलू नहीं था, प्याज का ही खाना पड़ेगा। तो तैयार हो अपनी पढ़ाई के लिए? तैयार हो अपनी पढ़ाई के लिए? मुझे तो इस कोर्स में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। क्यों, क्या हुआ? खाओ ना। हफ्ते में 5 बार क्लास है, व्यास ट्यूटोरियल्स, बूंदी का मशहूर IIT कोचिंग सेंटर, घंटा मशहूर, बूंदी में क्या मशहूर हो सकता है आंटी? अरे कोचिंग तो बच्चों के लिए ना, मेरा तो एक बार में एडमिशन हो जाएगा। पापा भी ना मेरे समझते नहीं, उनके बोलने पे आया हूँ। पर बेटा, पढ़ाई लिखाई तो बहुत जरूरी होती है ना। अब मेरे दोनों बच्चों को ही देख लो, अच्छा पढ़ाया लिखाया है सत्यनारायण जी और मैंने, तभी तो उन दोनों की लाइफ सेट है। अच्छा, करते क्या दोनों? मेरा बेटा रंजन NDA में है, तुम्हारी तरह स्मार्ट है वो, और मेरी बेटी रजनी होटल मैनेजमेंट कर रही है अहमदाबाद से। रंजन बहुत चलाक है, सब सीक्रेट माँ से छुपा के रखता है। आलू के ही है। और रजनी वो मेरी दोस्त है, सब बताती है माँ को। बताए अभी अभी उसका पहला बॉयफ्रेंड बना है, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, और सत्यनारायण जी को तो मैंने बताया भी नहीं। नाइस। कोई फोटो वोटो तो दिखाओ उनकी। और ये क्या आंटी, घर पे एक भी फोटो नहीं उनकी, लगता है खाली फ्रेम्स पसंद है आपको। आंटी
आंटी कितनी प्यारी धुन है ना, बड़ा सुकून मिलता है सुन के। पुराना रिश्ता है हमारा, यही तो ले गई मेरे बच्चों को। अब सत्यनारायण जी का फोन है शायद, ये फोन की घंटी भी ना ये धीमी बजती है। जी हाँ आ गया। हाँ हाँ सब ठीक बिल्कुल। अच्छा रेलवे कोटा में टिकट मिल रही है? नहीं नहीं रहने दो, छुट्टी पे फिर कभी चलेंगे। अब चिराग आ गया है ना, अच्छे से दिल लग रहा है। हाँ 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 आप आ जाइए, हम इंतजार कर रहे हैं। चाय बनाती हूँ। चिराग बेटा जरा यहाँ आना। बेटा इससे पहले कि सत्यनारायण जी घर आ जाएं, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। माँ जी के जाने के बाद सत्यनारायण जी का मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ गया है। उन्हें माँ जी से इतना लगाव था कि वो ये बात स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है कि माँ जी शायद नहीं हैं। लोगों को पटरी पे खून से लथपथ दो टुकड़ों में एक लाश भी मिली थी। किसी अपने को खोने से कभी कभी लोगों के दिमाग पर अजीब सा असर हो जाता है, तो इसी वजह से हम सब ने ये तय किया है कि माँ जी शायद नहीं है। सत्यनारायण जी को बताकर हम उनके नाजुक दिमाग पर और जोर नहीं डालना चाहते। हम उन्हें यही महसूस कराते आ रहे हैं कि माँ जी अब भी हमारे साथ हैं और हमारे बीच रह रही हैं, जैसे कि अभी मंदिर गई हैं और कुछ देर में वापस आ रही हैं। मतलब वापस आ रही हैं? सच में तुम घर ही गई ना? झूठ से आंख ना मिलाओ तो वो सच नहीं बन जाता। सत्यनारायण जी को इसी झूठी दुनिया में रहकर खुशी और सुकून मिलता है। तो हाँ माँ जी कुछ देर में वापस आ जाएंगी, यही रहेंगी, यही खाएंगी, यही नहाएंगी, सोएंगी तुम्हारे कमरे में। मेरे कमरे में? तुम्हें अजीब तो नहीं लग रहा ना, डर तो नहीं रहे? नहीं डरना क्या है, ठीक ही है, क्या फर्क पड़ता है? मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे थोड़ी ना कि है वो वहां, तो मर चुकी है। बेटा हर साल सत्यनारायण जी माँ जी का बर्थडे भी मनाते हैं, ये सोचकर कि माँ जी अब भी हमारे साथ हैं। और आज आज माँ जी का जन्मदिन है। लेट्स फिरती नहीं क्यों? खाएंगे बस तीन ही बेटा। देखना जरा अरे चिराग बेटा सब सब बढ़िया पहुंच गए हाँ? अरे ललिता मैं तो तुम्हें आज दिन भर फोन ही नहीं कर पाया, इतना काम था वहां स्टेशन पर, क्या बताऊं तुम्हें। अच्छा रेलवे कोटा में टिकट मिल रही है? और चिराग बेटा कुछ कहा कि नहीं, क्या मेरी बीवी की मन घड़ंत रंगीन कहानियों से ही अपना पेट भर लिया? बेटा मैं बहुत खुश हूं कि तुम हमारे पास रहने के लिए आया हो, इसे अपना ही घर समझना। कॉलेज के दिनों से तुम्हारे पापा ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, बहुत आभारी हूं मैं उनका। तो कैसा है रघु, मेरे बचपन का जिगरी दोस्त? डैडी ठीक है अंकल,
उस फैक्ट्री में बिजी रहते हैं। बेटा तुम्हारे पापा जितना मेहनती इंसान तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। हमेशा से मैं उसके कदमों पे चला होता ना तो आज स्टेशन पे हरी झंडी नहीं हिला रहा होता। अरे भाई मैं भी किसी बंगले में रह रहा होता शान से, लेकिन बेटा हम तो बस स्टेशन मास्टर ही बनकर रह गए। सरकारी तनख्वाह में घर कैसे चलता है हमसे पूछो, ऊपर से फिर कमाने वाले भी हम अकेले। बेटा खाना बैठो। अकेले कहाँ कमाते हैं? ये तो ठीक नहीं अंकल, बेचारी आंटी सुबह सुबह उठकर घंटों पापड़ बेलती है कि आपके खर्चे में थोड़ी हेल्प हो जाए। बेटा इस घर में मेरी बीवी सिर्फ एक ही चीज है जो रोज बेलती है, मेरा सर। एक बार तो मेरी 30,000 की हड्डी तोड़वाकर हमें खींच के डलहौजी ले गई जबरदस्ती। झूठे कहीं के। हम झूठे सब भूल जाती हो। बहुत अच्छा लग रहा बेटा, देखो तुम आए तो घर में खुशियां वापस आ गई, बच्चों की रौनक अलग ही होती है। एक वक्त था जब इस घर में भी शोर शराबा गूंजता था, फिर वो चले गए, यही हमारी आंखों के सामने रेल की पटरी पर। नादान थे दोनों, गेंद से खेल रहे थे। लोगों को पटरी पे खून से लथपथ दो टुकड़ों में एक लाश भी मिली थी। खैर छोड़ो, क्या रखा है 12 साल पुरानी बातों में। अरे ललिता तुमने माची के लिए चाय नहीं बनाई? ऐसा कैसे है ना, चिराग से पूछ लो। हाँ वो माजी का कपड़ा है ना। बेटा ये बहुत अच्छी बात है, मेरी दीदी में माजी का पूरा ख्याल रखती है। बहुत प्यार है दोनों में। अरे लेकिन माजी है कहां पर, अभी तक आई नहीं क्या? मैं तो उनके लिए केक लेकर आया हूं, माजी को मीठे का बहुत शौक है। दांत भले ना हो लेकिन शौक है। गई कहां पर माजी? अभी तो बात हुई थी थोड़ी देर पहले, उसे कह रही थी कि मैं घर के अंदर ही जा रही। पता नहीं, हम तो यही थे, शायद पीछे वाले दरवाजे से अंदर आ गई होंगी। हाँ चिराग बेटा जरा जाके देखो ना माजी आ कि नहीं। अच्छा ललिता मैं ये, चिराग बेटा जरा जाओ ना देखो सर। अच्छा ललिता ये सूट पीस लेकर आया हूं माजी के लिए, जरा देखो तो पसंद आएगा। इनको बहुत पसंद आएगा। फक माजी फाड़ के रखती है यार। चिराग बेटा
अरे बेटा चिराग, अरे क्या हुआ, से क्या हो गया अचानक से? चिराग बेटा रुको तो। अरे बेटा चिराग सुनो तो सही। अरे ऐसा क्या हुआ इसे? ये तो ऐसे भागा है जैसे इसने मुझे नहीं कोई भूत देख लिया। पता नहीं, बेचारा सुबह से बहुत अजीबोगरीब सी बातें कर रहा था। अभी अभी दादी गुजरी है ना उसकी, बहुत याद करता है उनको। कभी कभी किसी अपने के गुजरने से दिमाग पर अजीब सा असर हो जाता है। बेचारा प्यारा बच्चा था। अच्छा हुआ चला गया, मेरे बाथरूम में बैठ के सिगरेट फूंक रहा था। अब तुम लोग मेरा केक काटोगे कि नहीं? हैप्पी बर्थडे माँ जी, हैप्पी बर्थडे माँ जी। हैप्पी बर्थडे माँ जी। ये ले, तू भी खा ले ललिता, खाली पेट दवाई नहीं खाते ना। बट प्लेट्स फेरते ही नहीं क्यों? खाएंगे बस तीन ही बेटा। मैंने कहा था ना, हम जाएंगे।